It was a close finish for the Indian junior hockey team at the Sultan of Johor Cup, where Jude Felix and his boys settled for the silver medal after going down 2-3 against Great Britain. India bettered its last year's bronze medal finish and Felix is happy with the team's performance. Post-team's return to India, Jude speaks on how a bunch of new players playing their first tournament made him proud in Malaysia. ये तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब victory है. Simply because ये लोग 10 लोग बिल्कुल नए हैं अपना और 10 player सबसे best player अभी youth Olympic के लिए गया हुआ है. तो ये 10 नया player आके इतना अच्छा प्रदर्शन करके हम लोग silver medal जीता. लेकिन जाने से पहले मैं बोला था पोडियम फिनिश करेंगे, लेकिन वहाँ जाते जाने के बाद दूसरा टीम को देखने के बाद इतना तो पता था कि जीत सकता गोल जीत सकता था, लेकिन थोड़ा कमियां पड़ी मैच में, बट वो ज़रूर ठीक करना है. तो ठीक करने के लिए वो जो क्या कमी है सब बात किया हुआ है, तो आगे के लिए पक्का टीम अच्छा होगा. नहीं, जैसे हम लोग डोमिनेट किया था फर्स्ट क्वार्टर में, दोनों मैच में फर्स्ट क्वार्टर में डोमिनेट किया, लेकिन ये नहीं पता वो डोमिनेशन को कैसा 2-3-4 क्वार्टर में रखना, वो नहीं पता. वो आता है एक्सपीरियंस में. तो मैं जैसे मैं बताया 10 लड़का लोग, इनका फर्स्ट ट्रिप है और ग्रेट ब्रिटेन टीम 3 साल से साथ रहा, तो यही फ़र्क है. नहीं, जैसे मैं बताया था पोडियम फिनिश करने के लिए उम्मीद था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसा टीम खेल रहा था, जैसा दूसरा टीम का स्ट्रेंथ देखने के बाद गोल जीतना पक्का चांस था, लेकिन थोड़ा कमियां पड़ी हो गया था टीम में, तो इसीलिए जीत ना पाया, लेकिन आगे के लिए पक्का करेंगे. अच्छा, शिलानंद लाकरा ऑलरेडी खेला हुआ है, मनदीप मोर तो ऑलरेडी खेला हुआ है, लेकिन मनदीप मोर सबसे अच्छा खेला था पूरा टूर्नामेंट में. वो अपने मेरे लिए तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था इंडियन टीम की तरफ से मनदीप मोर. लेकिन गुरु साहब जीत एक बिल्कुल नया लड़का है पंजाब का, वो सेंटर फॉरवर्ड है, वो काफ़ी अच्छा हाइट वगैरह है इसका, फर्स्ट टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा खेला उसने. अभी अपना कैंप है, बाकी बाद में देखना अभी हॉकी इंडिया का क्या प्रोग्राम है.